मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस ने नशीली दवाइयों की खरीदी बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस मामले में शहर के अलग अलग स्थानों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मेडिकल व्यवसायी और एक MR भी शामिल है। खंडवा की मोघट और पद्म नगर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर नशीली दवाई की खरीद बिक्री करने वाले 7 लोगों को धर दबोचा है। गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों में एक मेडिकल व्यवसायी और एक MR भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से 7,000 नशे की गोलियां जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 को जेल और 4 को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र और MP के कुछ जिले से ये नशीली दवाइयां लाकर यहां खपा रहे थे। आरोपियों से कड़ी पूछताछ में कुछ और लोग पुलिस के हाथ चढ़ेंगे। कुछ समय से हम लोगों को कुछ जानकारियां मिल रही थी कि नशे की सामग्री, खासकर जो टैबलेट्स हैं और भी जो चीज़ें हैं, वो उसको उसका प्रयोग बढ़ा है, उसकी वजह से क्राइम्स भी कुछ हो रहे थे, और जिसके आधार पे हम लगातार इसमें सभी को निर्देशित किया था और एक हमने टीम भी सक्रिय कर रखी थी इसमें, और जिसके आधार पे हमको एक सफलता मिली थी, जिसमें हमको 2 ग्रुप ऐसे मिले जो नशे की टैबलेट्स को खरीद फरोख्त कर रहे थे और इधर लड़कों को जो हैं युवक उनको सप्लाई कर रहे थे, और जिसके आधार पर हमने पद्म नगर और मोघट में इसमें कायमी की है। 7 लोग इसमें टोटल गिरफ्तार हैं, जिनसे करीब हमको 6 से 7 हज़ार टैबलेट्स इसमें अल्प्राजोलम की मिली है। अभी हमने खंडवा की जो चेन है इसको तो पूरा हमने इसको चेक किया है, और इसके बाद जो हमें पता चला है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों से ये सप्लाई हो रहा था, और इसके साथ साथ MP में भी 1-2 जिलों से हमको जानकारी मिली है, तो उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं आगे। इसमें जो 2 मेडिकल स्टोर्स भी हैं जो चलाते हैं मेडिकल स्टोर्स, तो उनके भी हम पूरी जांच करेंगे कैसे चलाते थे, क्या था, किस प्रकार से रिकॉर्ड वगैरह वो मेंटेन करते थे, और आवश्यकता इसमें रहेगी तो हम ड्रग इंस्पेक्टर उनसे भी बात करेंगे।